अभी आपको अहम खबर से अपडेट करें। अमीर बालास टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, अदालत ने एहसन शाह का 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एहसन शाह की जिस्मानी रिमांड पर समाप्त की है। CIA पुलिस ने एहसन शाह की रात गए बाकायदा गिरफ्तारी डाली थी। एहसन शाह मकतूल अमीर बालाच का करीबी दोस्त था। एहसन शाह पर मुकदमे में नामजद मुलजिमान के साथ रबतों का इल्ज़ाम है। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर मुखबरी के लिए नामजद मुलजिमान से रकम वसूल की थी। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एहसन शाह की जिस्मानी रिमांड पर समाप्त की है। अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अदालत ने एहसन शाह को 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एहसन शाह की जिस्मानी रिमांड पर समाप्त की है। मजीद तफसीला जान लेते हैं नईम मलिक से। जीनिंग मलिक अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, आज जिला कैरी में लाज के कतर पर अहम पेशरफ हुई है। आज उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जिस्मानी रिमांड के लिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एहसन शाह का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने एहसन शाह को दोबारा 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड दिया और हुक्म दिया कि दोबारा 23 मार्च को इसे पेश किया जाए। CIA पुलिस ने एहसन शाह की रात के बकायदा गिरफ्तारी डाल दी थी। एहसन शाह को आज अदालत में पेश किया गया। CIA पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बलाज के मुखबरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। एहसन शाह मकसूल अमीर बलाज का करीबी दोस्त भी था। एहसन शाह पर मुकदमे में नामजद मुलजमों के साथ रबतों का इल्ज़ाम था। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर मुखबरी करके नामजद मुलजमों में मुलजमों से रकम वसूल की थी। इसी जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज अदालत के रूप में उसको पेश किया जा रहा। अदालत का 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।